दोस्तों दृश्यम 2 एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है और काफी जबरदस्त भी है। और आज की इस वीडियो में मैं दृश्यम 2 मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका जो क्लाइमेक्स था वो पूरा दिमाग घुमा देने वाला था। तो अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो बस यार इस वीडियो को देख लो, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मूवी के एंड में पुलिस को पता चल जाता है कि सैम की बॉडी कहाँ है और वो न्यू पुलिस स्टेशन में ही होती है। उसके बाद आईजी तरुण को कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है कि वो 8 घंटे के लिए विजय और विजय की फैमिली से पूछताछ कर सकते हैं। फिर तरुण विजय से पूछताछ करता है। पहले तो विजय कुछ बताता नहीं है, पर जब गाइटोंडे उसकी फैमिली को मारता है और खासकर उसकी बेटी अंजू को मारता है, और उस टाइम पर अंजू को पैनिक अटैक आ जाता है, तो उसके बाद आखिर में विजय बयान देने के लिए राजी हो जाता है। पर वो बयान में ये नहीं बताता है कि उसकी बेटी ने सैम को मारा था, बल्कि वो कहता है कि उसने सैम को मारा था और जो वीडियो बनाई थी सैम ने, उसके बारे में विजय कोई बात करता ही नहीं है। तो जब वो गुनाह कबूल कर लेता है तो उसके बाद विजय को कोर्ट में लेकर जाया जाता है। पर वहीं पर कहानी में बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है, जहां पर विजय अपनी जिस मूवी पर काम कर रहा था राइटर मुराद अली के साथ, तो वो स्टोरी उसकी खुद की ही होती है। और मूवी के क्लाइमेक्स में मुराद तरुण और मीरा से मिलने आता है और वही पूरी कहानी सुनाता है, जिसमें बस नेम चेंज होते हैं लेकिन कहानी विजय की होती है। पर उस स्टोरी के क्लाइमेक्स में होता है ये है कि जो स्केलेटन है वो पुलिस को मिल जाता है, और वो भी पुलिस स्टेशन के नीचे से ही। और जो स्केलेटन पुलिस को मिलता है उसको वो डीएनए टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो जिस लैब में वो जाता है वहां के गार्ड को विजय पहले से ही दोस्त बना लेता है, और साथ में एक जरूरतमंद बूढ़े आदमी को भी दोस्त बना लेता है जो कि काम करता है शमशान में। तो जब सैम का स्केलेटन लैब में जाता है तो उसी रात को विजय एक 15-20 दूसरे इंसान का स्केलेटन, जिसकी डेथ भी सर पर चोट लगने से ही हुई थी, उसको जा करके सैम के स्केलेटन से चेंज कर देता है। और क्योंकि जो नैब का गार्ड होता है वो विजय का दोस्त होता है, तो विजय को स्केलेटन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और साथ में वैसी ही बॉडी भी उसको मिल जाती है क्योंकि शमशान का जो गार्ड है वो भी उसका दोस्त होता है। और फिर विजय ने दोनों स्केलेटन को चेंज कर दिया। तो उसके बाद जब डीएनए की रिपोर्ट आई कोर्ट के अंदर, तो वो स्केलेटन सैम का था ही नहीं, क्योंकि विजय ने उसको चेंज कर दिया था यार। और फिर कोर्ट में विजय ये कहता है कि मैंने जो गुनाह कबूल किया था वो मैंने पुलिस के प्रेशर में आकर किया था, और साथ में जिस स्टोरी पर विजय काम कर रहा था यानी कि अपनी ही, तो 1 साल के पहले उसने अपनी स्टोरी की दृश्यम नाम से एक किताब पब्लिश कर दी थी। तो उसकी लॉयर कोर्ट में कहती है कि मीरा को विजय पर पहले से ही शक था, इसलिए इस किताब की स्टोरी को पूरा कॉपी कर रहे हैं, और वो भी एक केस बना करके, जबकि ऐसा कुछ रियलिटी में है ही नहीं। और चूंकि यह जो डीएनए की रिपोर्ट थी वो भी मैच नहीं हो रही थी, तो उसके बाद कोर्ट विजय को छोड़ देती है। और एक बार फिर से विजय जीत जाता है मीरा से, और विजय कहता भी है कि मैंने ऐसा काम किया है जिससे कि मैं कभी भी सैम के माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन जो मैंने किया है वो अपनी फैमिली के लिए किया है, और मैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर मूवी के लास्ट में सैम की अस्थियों को विजय महेश देशमुख यानी कि सैम के पापा को जा करके दे देता है, और फिर अपनी फैमिली के साथ आराम से ट्रिप इंजॉय करता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो यार मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर अभिषेक और राइटर जीतू ने काफी जबरदस्त काम किया है, और अगर आप जाकर के इस मूवी को देखेंगे थिएटर में तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर बोर तो नहीं होंगे। तो यारो इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं। पीस आउट।